नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। चुनाव से पहले लोगों का दिल जीतना जरूरी, पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात। चीन के साथ विवाद पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, उत्तरी सीमाओं पर कठिन चुनौतियां आई, हमने डटकर जवाब दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जयपुर मुंबई ट्रेन गोलीकांड के आरोपी की पत्नी बोली, सांप्रदायिक एंगल के आरोप गलत, हिंदुओं के खिलाफ हुई घटनाओं से उनके मन में डर था। हमेशा बेहतर की तलाश करें, 3 राज्यों में सीएम पद पर सस्पेंस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पोस्ट। बिजनौर के उच्च अधिकारियों ने दी अंडरपास को मंजूरी, अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू हुआ। बसपा की बड़ी बैठक, मायावती की अध्यक्षता में बैठक, लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, मुख्यमंत्री ने लगाया जनता दरबार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है मुख्य अतिथि। कानपुर में स्टंट बाइकर्स के खिलाफ चला अभियान, कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन में चला अभियान। मथुरा में चौंकाने वाला मामला आया सामने, मंजिलों से परेशान होकर छात्रा ने लगाई छलांग। इजराइल हमास युद्ध विराम प्रस्ताव पर वीटो लगाया तो अमेरिका पर भड़की किम जोंग सरकार, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को नॉर्थ कोरिया के 2 टुकड़े। विनाश का मंजर, अब तक गाजा में 17,000 से अधिक जिंदगियां खत्म, अस्पतालों ने खड़े किए हाथ। थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया के बाद भारतीय यात्रियों को वीजा फ्री एंट्री देने जा रहा है खूबसूरत देश इंडोनेशिया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ बोले, भारत से रखना चाहते थे अच्छे संबंध, कारगिल प्लान का विरोध करने पर हटा दिया गया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास बोले, गाजा में खून खराबे के लिए अमेरिका जिम्मेदार, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह ने की अमेरिका की आलोचना। यूपी वॉरियर्स ने ऑक्शन में 5 खिलाड़ियों पर लगाया दाव, पर्स में बच गए 1.9 करोड़, सबसे बड़ा दाव एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी पर लगाया गया। जय शाह ने हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी पर दी बड़ी अपडेट, मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद चोटिल हो गए थे। काशवी गौतम को बेस प्राइस में 20 गुना ज्यादा मिली कीमत, ऑक्शन में 30 खिलाड़ियों पर खर्च हुए करोड़ों। महिला प्रीमियर लीग के लिए बीसीसीआई ने निकाला टाइम फ्रेम, 22 फरवरी से 17 मार्च के बीच खेला जा सकता है दूसरा सीजन। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने श्रीसंत को लीगल नोटिस भेजा, गंभीर से लड़ाई के बाद लिया गया एक्शन। पान मसाले के विज्ञापन ने बढ़ाई स्टार्स की मुश्किलें, शाहरुख खान, अक्षय और अजय देवगन को मिला हाईकोर्ट से नोटिस। एनिमल ने 9वें दिन काटा गदर, बॉक्स ऑफिस पर मारी लंबी छलांग, 400 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म। वीकेंड का वॉर में सना रईस खान घर से हुई बेघर, पॉप सिंगर ओरा ने ली वाइल्ड कार्ड एंट्री। एनिमल में बॉबी देओल ने अपने किरदार को बताया रोमांटिक एक्टर, बोले खुद को विलेन की तरह नहीं देखता।
जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी का सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन, हॉस्पिटल में हुई डिस्चार्ज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।